ओ यार अफगानिस्तानियों यार, ये क्या कर दिया यार। मतलब मैंने वैसे ही टाइटल दिया था अपने वीडियो का कि अफगानिस्तान चौक करेगी या फिर साउथ अफ्रीका वाले चौक करेंगे। तुम तो यार सच में चौक कर गए। माना तुम्हारा पहला सेमीफाइनल था, तुम थके हुए थे, तुम्हें 36 से भी कम घंटे में जो है वो दूसरा मैच खेलना था, पर यार इस तरीके से कौन खेलता है। सिर्फ 56 रन पर जो है तुम लोग ऑल आउट हो गए। 11.5 ओवरों में तुमने सिर्फ 56 रन बनाए हैं। भैया इनएक्सपीरियंस नाम की एक चीज होती है, लेकिन तुमने तो लिटरली चौकिंग ही दिखाई है कि भैया हमसे आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा, हमसे रन लिए ही नहीं जा रहे। यार कौन करता है ऐसा यार, सिर्फ 56 रन। सच में दिल तोड़ दिया यार। मैंने वीडियो में बताया था कि 100 रन से कम पे रोक लेंगे अगर बहुत अच्छी बॉलिंग करी तो। 100 मेरे को तो ये मतलब आधे ही लगे तुम्हारे रन। सिर्फ 56 रन पे ही जो है तुम लोग ऑल आउट हो गए। और अपना हाईएस्ट स्कोरर देखो, अजमतुल्ला उमरजई, सिर्फ 10 रन मारे हैं उसने। मतलब इकलौता बैट्समैन है वो जो कि दहाई के आंकड़े में पहुंचा है। नहीं तो 3 बैट्समैन तो तुम्हारे 0 पर आउट हो गए। और उसके बाद जो तुम्हारा 10 रन के बाद हाईएस्ट स्कोरर है, वो 3 लोगों ने 8-8 रन मारे हैं। उसके बाद एक्स्ट्रास जो है वो तुम्हारा हाईएस्ट स्कोरर है। 56 रन पे कौन ऑल आउट होता है यार। 11.5 ओवरों में तुम लोगों ने जो है वो 56 रन मारे सिर्फ। अच्छा कुछ तो फाइट दे रहे थे साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका ने ये मैच 9 विकेटों से जीत लिया। 8.5 ओवर्स में उन्होंने ये टारगेट चेज कर लिया। 56 रन की जगह उन्होंने 60 रन ठोक दिए। एक तो ये साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच के जो जितने भी मैचेस हुए ना, उसमें सबसे लोएस्ट एग्रीगेट टोटल है। 116 रन बने हैं भाई साहब, और कितने 20.4 ओवरों में। मतलब आधा T20 मैच हुआ है। सेमीफाइनल यार, मतलब सेमीफाइनल में ये डिजर्व नहीं करता ये मैच। सेमीफाइनल थोड़ा सा टफ होना चाहिए था, और अफगानिस्तान से उम्मीद होती है कि वो अच्छा खेलेंगे, बट बहुत ही गंदा खेले यार तुम लोग। वैसे हैट्स ऑफ टू यू कि तुम लोग इस मुकाम तक पहुंच गए, सेमीफाइनल में आ गए। तुमने बहुत अच्छी अच्छी टीमों को हराया, बहुत अच्छी अच्छी टीमों से हारे तो क्लोजली मैच हारे, एक आधा मैच छोड़कर। पर ये वाला मैच मजा नहीं आया यार। मतलब जिन्होंने टिकटें खरीद के जो है मैच देखा होगा, उनके पैसे वसूल नहीं हुए। हाँ अगर वो साउथ अफ्रीकन्स हैं तो फिर उनके पैसे जबरदस्त वसूल हो गए। वन साइडेड विक्ट्री के साथ जो है साउथ अफ्रीका फाइनल्स में पहुंच गई। उनके ऊपर चोकर्स का जो टैग है वो एटलीस्ट फाइनल में पहुंचने तक का तो हट गया है। फाइनल में जीतते हैं या नहीं जीतते हैं वो अलग बात है, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंच के चोक करने का जो उनके ऊपर टैग था वो तो एटलीस्ट हट गया है। अच्छा रिकॉर्ड भी देखो क्या क्या बने हैं भाई साहब। गुलबदन नईम जो है अपने, उन्होंने इस बार रिकॉर्ड बनाया है। लगातार 8 जो है उन्होंने, लगातार नहीं माफ कीजिएगा, 8 बार जो है वो डक पे आउट हुए हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के लिए रिकॉर्ड अपना बना दिया है। इससे पहले राशिद खान थे जो कि 7 बार आउट हुए थे। वहीं किसी भी T20 में वो चौथी बार जो है वो 0 पे आउट हुए हैं। वर्ल्ड कप में T20 में वो चौथी बार जो है वो 0 पे आउट हुए हैं। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बने हैं सोचिए। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या ही बोलूं यार। इतना गंदा कौन खेलता है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो दोस्तों, स्पेशली उनकी बॉलिंग की, तो सबने लगभग लगभग जो है विकेटें बांटी हैं। मार्को येंसन ने 3 ओवर में 16 रन दिए, 3 विकेटें ली हैं। कैसिगो रबाडा ने 3 ओवर में 14 रन, 2 विकेटें ली हैं। एनरिच नॉर्किया, उन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए, सिर्फ 7 रन और 2 विकेटें ली हैं। तबरेज शमसी ने 1.5 ओवर्स किए हैं, 6 रन दिए हैं और 3 विकेटें ली हैं। लो भाई साहब, मतलब तबरेज शमसी ने तो 6 रन पे 3 विकेटें ले ली हैं। ये हाल है, मतलब क्या ही खेले अफगानिस्तान वाले, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और उसके बाद अगर बैटिंग की बात करें भाई साहब, तो क्विंटन डिकॉक जो है वो 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। उनको फाजिल फारूकी ने जल्दी आउट कर दिया। उसके बाद रीजा हैंड्रिक्स ने और एडन मार्करन ने जो धोया है इनको, रीजा हैंड्रिक्स ने 25 बॉलों में 29 रन मारे हैं, एडन मार्करन ने 21 बॉलों में 23 रन मारे हैं 9 ओवरों में, 8.5 ओवर्स में 60 रन। अच्छा विकटें भी देखो, जो साउथ अफ्रीका माफ कीजिएगा अफगानिस्तान की जो विकटें गिरी हैं वो कैसे कैसे गिरी हैं। पहली विकेट 4 रन पे पहले ही ओवर में, दूसरी विकेट 16 रन पे 2.3 ओवर्स में, तीसरी विकेट 20 रन पे 3.1 ओवर्स में, चौथी विकेट भी 20 रन पे ही गिरी है 3.4 ओवर्स में।
पांचवी विकेट 23 रन पे 4.6 ओवर्स में, छठी विकेट 28 रन पर 6.3 ओवर्स में। मतलब 6 विकेटें तुम्हारी 28 रन पे गिर गई थी। वो तो शुगर करो कि 8-8 रन जो है वो करीम जन्नत और राशिद खान बना गए, वरना तो 50 से भी नीचे ही तुमने निबटना था। 7वीं विकेट जाके गिरी है इनकी 50 रन पे करीम जन्नत की 9.3 ओवर्स में। उसके बाद 8वीं विकेट भी 50 रन पे ही गिरी है, वो गिरी है नूर अहमद की 50 रन पे ही। 9वीं विकेट भी राशिद खान की गिरी है, वो भी 50 रन पे गिरी है। मतलब 7वीं, 8वीं और 9वीं विकेट तीनों 50 रन पे गिरी है, वो राशिद खान की 10.2 ओवर्स में। उसके बाद 56वें रन पे जो है नवीन उल हक की विकेट गिरी है 11.5 ओवरों में। भैया बहुत ही, मतलब जोनाथन ट्रॉट हो गया और डेवन ब्रावो हो गया जिनकी आंखों में आंसू थे, आप सब लोगों की आंखों में भी आंसू थे एज अ टीम, पर ये मैच जो ना ये लिटरली बहुत ही शर्मनाक हार है यार। सेमीफाइनल मैच में आके इतनी बुरी तरीके से हारना, ना कोई टीम डिजर्व करती है और ना ही टीम फिर इस लायक है कि वो सेमीफाइनल में पहुंच सके। मैं बार बार ये कहूंगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा मैच दिखाया अभी तक जो खेले आप। न्यूजीलैंड को आपने हराया, आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया, वेस्ट इंडीज से बहुत बुरी तरीके से हारे थे, इंडिया से भी आपने टफ फाइट दी, बांग्लादेश को आपने टफ फाइट देके हराया, पर दिस वॉज नॉट दी मैच ऑफ द सेमीफाइनल। मतलब लिटरली ऐसा लग रहा था मैच देखते हुए कि घबराए हुए हैं आप लोग, समझ नहीं आ रहा आप लोगों की हम लोग अब पहुंच तो गए सेमीफाइनल में, अब करें क्या यहां पर आकर। रियली में डिसअपॉइंटेड यार। अब पता नहीं अगले वर्ल्ड कप में आपको सेमीफाइनल में आने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। यू हैव टू बी मेंटली टफ। आप जिस देश से आ रहे हो वहां पे तालिबान का शासन है, मेंटली टफ हो आप, तभी उस जैसे देश में आकर भी आप जो है क्रिकेट को जिंदा रख पाए हो। तो मेंटली टफ आप कहीं ना कहीं हो, लेकिन आपको वो ग्राउंड पे भी आज दिखाना था, जो कि आप बिल्कुल तरीके से नहीं दिखा पाए हैं। मैंने प्रिडिक्ट तो किया था कि आप लोग जो हैं वो जीतोगे नहीं, लेकिन यार फाइट तो दिखानी थी आप लोगों को, एटलीस्ट कुछ तो फाइट दिखाते यार। मतलब क्या ही बोलूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं मिल रहे हैं। दुखी तो मैं बहुत हूं, लेकिन मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं कि क्या ही होगा अब अफगानिस्तान टीम का। मतलब कोई उसको सीरियसली लेगा ही नहीं एटलीस्ट सेमीफाइनल में तो, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग आगे जाके चोक करेंगे, उन्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। बहरहाल दोस्तों, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच का इतना ही। बाकी हाँ, आज रात को मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि 60% के करीब जो वोट्स हैं वो रात को 8 बजे के लिए ही आ रहे हैं, तो 8 बजे ही जो है मैं लाइव आऊंगा। 8 बजे आके आप सब लोग जुड़िएगा, कम से कम 200-300 लोग तो होने चाहिए लाइव, तभी बात करने का मजा आएगा। तो आप सभी लोग जुड़िएगा मेरे साथ, रात को 8 बजे हम लोग गपशप मारेंगे। थोड़ा सा मैं इस मैच के बारे में भी बात करूंगा और इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच अगर होने वाला है तो उसके बारे में भी बात करूंगा। मौसम का हाल क्या है, टॉस का क्या रहेगा, बैठ के गपशप करेंगे यार आराम से। 1 घंटा तो आराम से हम लोग कर ही लेते हैं, इतनी तो कैपेसिटी है ही हम लोगों की, देखते हैं जितना लंबा चलेगा, है ना दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैच आपने देखा है तो कितना बुरा लगा आपको, कि किस बुरी तरीके से पिटी है अफगानिस्तान टीम। और भी कोई प्रश्न हो आपका, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ बताना चाहते हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप ही का चैनल है भाई, जो मर्जी कमेंट कीजिए, बस हाँ किसी से लड़िए मत और कुछ गलत कमेंट मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को चाहे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। लाइव आ रहा हूँ रात को 8 बजे, इसके लिए आप अपने दोस्तों को भी बता दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके कि मैं लाइव आ रहा हूँ रात को 8 बजे और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। आप सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों।